पिछले कई दिनों से हो रही पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। बर्फबारी की वजह से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में तापमान में कमी दर्ज की जा रही है, जिस वजह से ठंड बढ़ने लगी है। दिल्ली समेत कई राज्यों में ठंड के साथ हल्की धुंध भी देखी गई, जिस वजह से रेल, मेट्रो और बाकी यातायात सुविधाओं की रफ्तार धीमी पड़ गई। वहीं दक्षिण भारत में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र अब गहरे निम्न दबाव में बदल गया है। ये 7 दिसंबर तक एक चक्रवात में सशक्त हो सकता है और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ेगा। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 9 दिसंबर से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों को प्रभावित कर सकता है, जिससे अगले 2 दिन मैदानी इलाकों और निचले इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। 8 से 10 दिसंबर के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से अलग अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा कश्मीर में शीतलहर की स्थिति से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन घाटी में पारा अभी 0 से नीचे बना हुआ है। वहीं इस हफ्ते के आखिर में यानी कि वीकेंड तक हल्की बारिश होने की भी उम्मीद है। अगले 2 दिनों के दौरान पूर्व और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई अहम बदलाव नहीं होने की संभावना है और बाद के 2 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। आज और कल महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में बीते 2 दिन से न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम करीब 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। हालांकि दिन में आसमान साफ है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहेगा। वहीं दिल्ली में आज हल्का कोहरा भी देखने को मिला। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में मंगलवार को औसतन AQI 343 दर्ज किया गया, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहा। ये तो दिसंबर की शुरुआत है। मौसम विभाग की माने तो 15 दिसंबर तक घने कोहरे के साथ कपकपा देने वाली ठंड शुरू होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।